हाँ, उसी के बारे में ही बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि अभिजीत लैड स्कूल ऑफ एक्टिंग के लिए ये हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये है मेरे राइट हैंड में बैठे हैं सोनिया मेयर्स जी, शी गॉट द टाइटल ऑफ मॉडल गुरु एंड शी इज़ अ वेल ट्रेन, शी इज़ अ वेरी गुड टीचर, शी ट्रेन मॉडल एंड शी इज़ इन मतलब फेमस इन फैशन इंडस्ट्री ऑल्सो। मेरे राइट हैंड साइड में सेकेंड में जो बैठे हुए हैं मुकुल नाग, he is also from NSD, he passed out from National School of Drama and film and television mein bahut sare kaam kiye hain aur mere sath bhi workshop acting workshop kar chuke hain and he is famous for Sai Baba ka character unhone kiya tha। udhar baithe hue hain Satyajit, ye bhi hamare NSD se pass out hai aur hamare matlab guest faculty mein hai, क्योंकि सत्यजीत अभी बहुत बिजी हैं फिल्म एंड टेलीविजन में काम कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में हैं विनोद आनंद, ये भी एनएसडी से हैं और विनोद के साथ मेरा जो रिलेशन है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि विनोद और मैं इसे इंस्टीट्यूट को लेकर बहुत सारे प्लान्स पहले भी कर चुके हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा था, किसी न किसी कारणवश ये रुक रहा था और आज हिम्मत हुई है तो हम आप लोगों के सामने आ गए हैं। मेरे लेफ्ट हैंड में एकदम साइड में जो बैठे हुए हैं यह है इकबाल आज़ाद, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड इज़ अ वेरी गुड एक्टर, वेरी बिजी इन फिल्म एंड टेलीविजन एंड ही इज़ ऑल्सो इन आवर गेस्ट फैकल्टी। अभी जो आपने बात बताई कि ये हिम्मत कैसे हुई, इसके पीछे एक कहानी है। मैं काफ़ी सालों से एक्टिंग के ऊपर वर्कशॉप्स कर रहा था और एक समय मैं बालाजी का जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट है आइस, उसके साथ भी मैं जुड़ा हुआ था। 2011 में मैं एक साल के लिए वहाँ पे एक्टिंग डिपार्टमेंट का हेड था तो मैं वो सब कर रहा था, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि टेलीविज़न एंड फिल्म में बिजी हो गया। लेकिन रिसेंटली मैं लास्ट ईयर से सिंटा के साथ मैं कुछ वर्कशॉप्स कर रहा था, एक्टिंग वर्कशॉप्स कर रहा था कि सिंटा के जो मेम्बर्स हैं, जो यंग एक्टर्स हैं, यंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं, उन लोगों के साथ मैं वर्कशॉप्स कर रहा था। उनमें से एक स्टूडेंट है जिसका नाम, वो पीछे बैठी हुई है, गरिमा गोयल, शी हैज़ आवर ओन चैनल, यूट्यूब चैनल, शी मेक अ वीडियो बेस्ड ऑन मेथड एक्टिंग और उसके साथ साथ मैंने जो क्लास में पढ़ाया था उसी के ऊपर शी मेड अनदर वन, ये जो है कि वो स्क्रिप्ट एंड डायलॉग्स के ऊपर किस तरह से काम किया जाता है। वो इतने लोगों के पास पहुंचे और वहाँ से बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, हम उनके साथ एक्टिंग का क्लासेस करना चाहते हैं। तो ऑन दैट वेरी मोमेंट हमारे भी दिमाग में आया, तो ठीक है अगर ऐसा है तो वाई डोंट वी स्टार्ट एन इंस्टीट्यूट, एक्टिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हम थोड़ा सा अलग तरीके से सिखाना चाहते हैं। अलग तरीका मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी आपने देखा है कि जितने भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा है, सबकी हिम्मत नहीं होती वहाँ जाके एडमिशन ले पाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम खूब लो कॉस्ट में अगर हम अपना एक इंस्टीट्यूट शुरू करें जहाँ पे जो लोग सीखना चाहते हैं, जिन लोग वहाँ पे नहीं जा पाते वो हमारे साथ आए, हम उन लोगों के लेके काम करेंगे। काम का तरीका ये है कि देखिए एक्टर सभी लोग हैं, जो फील्ड में काम करने के लिए आते हैं दे आर ऑल एक्टर्स, लेकिन एक्टिंग को और डेवलप करने के लिए और मजबूत करने के लिए उसको थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ता है, वो पॉलिशिंग का काम हम लोग करेंगे। एंड अनदर वन थिंग कि ये है कि बेसिक जिसके ऊपर हमें काम करना है दैट इज वो है थॉट प्रोसेस के ऊपर। हम लोग सोचते बहुत कम हैं, हम एक्टर्स लोग सोचते बहुत कम हैं, लेकिन अगर वही सोच अगर बढ़ जाए
तो हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो और अच्छे तरीके से आ सकेगा, वो इमोशन आ सकेगा, वो अब बॉडी लैंग्वेज भी आ सकेगा, वो सारी चीज़ों को किस तरह से लेके आना है उसके ऊपर काम करने के लिए हम सारे लोग यहाँ पे हैं। एंड आई बिलीव कि हमारे पास से जो भी बाहर 3 महीने के बाद जो भी बाहर निकल के आएंगे, वो इतना तो गर्व से कह पाएंगे, यस आई एम एन एक्टर नाउ एंड यू कैन जज मी। लेकिन सीखना यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, हम आज भी सीखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है, ये एक ऐसी मतलब क्रिएटिव फील्ड है जिसमें अंत नहीं है, जितनी अंदर जाओ उतना ही डेप्थ आगे आगे दिखता है। जैसे स्काई के बारे में आप जितना ही ऊपर जाइए स्काई और ऊपर दिखता है, वैसे ही ये भी फील्ड भी वैसे ही है। लेकिन एक चीज़ है कि लाइफ के साथ साथ हमारा जैसे एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस भी एक मैटर करता है, वो एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाते हैं। तो वो एक्सपीरियंस जितना बढ़ेगा, काम एक चीज़ एक फील्ड अगर तैयार हो गया है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस जितना बढ़ेगा आपका काम करने का तरीका भी और अच्छा होगा। लेकिन हमारे ये शुरुआत है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाई बीइंग एन एक्टर, आप जब पहला स्टेप डालना चाहते हो वहाँ पे आप अपने आप को इस तरह से तैयार करके आओ जहाँ पे कि आप गर्व से कह सको कि भाई हमें यू कैन जज मी एज एन एक्टर, दैट्स व्हाई वी आर हियर। थैंक यू। उनसे अलग ये है कि देखिए हम ये अगर बोलेंगे तो मतलब बोलना गलत होगा, क्योंकि एक तो है कि इकोनॉमिकल साइड से अलग है, हमारा जो फीस है ये बहुत ही नॉमिनल है, वीकली हमारा आप देख रहे हैं कि वीकेंड में दो मतलब सैटरडे संडे फ्रॉम 10 to 6 हमारा क्लासेस होंगे। ये 3 महीने का कोर्स है, ये 3 महीने में हम सिखाएंगे जो वो होगा डिक्शन, स्पीच, एक्टिंग का क्लासेस तो चलेगा ही, उसके साथ साथ चलेगा माइंड एंड मूवमेंट के ऊपर क्लासेस, म्यूजिक के ऊपर क्लासेस एंड बॉलीवुड डांस के ऊपर। एंड यहाँ पे जो फीस है ये है मंथली 25,000 ओनली, एंड अगर कोई 3 महीने का एक साथ पे करते हैं तो उनके लिए भी और कंसेशन हो जाएगा 60,000 इंक्लूडिंग लंच। हम इसलिए लंच प्रोवाइड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो लोग हमारे साथ काम करेंगे वो 1 से 2 1 घंटे के बीच में वो दोपहर के खाने के लिए इधर उधर भटकेगा, बड़ा पाव खाएगा या वहाँ के जो खाना मिलता है वो खाने से फिर अगर तबीयत खराब हो जाएगा तो हमारे लिए नुकसान, उनके लिए भी नुकसान। तो हम इसलिए ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ जब काम कर रहे हो, हम यहाँ पे जो खाना खाएंगे वो भी आप लोग खाना खाओ। उसी के लिए हमने ये किया है कि बहुत ही नॉमिनल है ये, आप सोच लीजिए कि कितना नॉमिनल है। मंथली ओनली 25,000 एंड फॉर 3 मंथ्स इज 60,000, इज वेरी चीप एंड वन कैन अफोर्ड इट, जो वहाँ पे जाके अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत अच्छी चीज है असल में, और जैसा आपने बोला अभी मतलब मुझे ही 23 साल हो गए बम्बई में, मतलब और पीछे पलट के देखते हैं तो 23 साल में आप अप्स एंड डाउन देखते हैं, आप एक संघर्ष का दौर देखते हैं सब कुछ, और 23 साल के बाद जब आप यंग एक्टर्स को मिलते हैं तो देर इज अ लॉट दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद देम। आई थिंक सीनियर जो एक्टर्स जो काम कर चुके हैं, जो उस दौर से गुजर चुके हैं संघर्ष के, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो यंग एक्टर्स के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, अपने क्राफ्ट को शेयर करें। मुझे तो ये बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत लगता है कि आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। अगर आप किसी स्कूल में आके ना पढ़ाएं, सेट पे ही किसी यंग एक्टर से बात करें, वो बातचीत करके उसको कितना लाभ होगा वो शायद आप भी नहीं जानते। तो और इसके पीछे इंटेंशन सबसे बड़ी बात,
टीचिंग जो है मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ इस मामले में, जो अभी अभिजीत भाई ने बोला कि हम सिखाना चाहते हैं और उसमें बेयर मिनिमम कॉस्ट पे हम कितना मैनेज कर सकते हैं, तो वो इंटेंशन बहुत ज़रूरी है एंड विच इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू अप्लॉड एज फार एज अभिजीत भाई इज कंसर्न, क्योंकि वो बहुत ऑनेस्टी के साथ और बहुत एक ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने क्राफ्ट को अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत उम्दा एफर्ट है, बहुत अच्छी एफर्ट है एंड आई थिंक लोग जुड़ेंगे इसके साथ, क्योंकि आज के ज़माने में आसान नहीं है कि कहीं पर आप एक कम से कम कॉस्ट पर आप इस तरह का एक आप एक्सपीरियंस गेन कर सकें। दादा ईश्वर फ्रॉम इंडिया, आजकल आप सभी दिग्गज बैठे हो यहाँ पर एनएसडी के, एक्टिंग भी एक तरह से समुद्र है, इतना सीखो उतना और ज़्यादा सीखने की इच्छा होती है, तो फिर भी एक जो नया स्टूडेंट आएगा उसको कितने महीनों में या कितने दिनों में आप उसे कंप्लीट एक्टर बना सकते हैं? देखिए इस सवाल जो आपने किया इसी के ऊपर हम लोग काम भी कर रहे हैं। पहली बात है कि एक्टिंग सिखलाने का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, आज तक हम भी सीख ही रहे हैं, हम ड्रामा स्कूल से पास होने के बाद में अभी पिछले 1982 से हम थिएटर कर रहे हैं, लेकिन आज हम भी ये नहीं कह सकते हैं कि हमें कंप्लीट हैं, तो ये तो पहला है कि सिखलाने का कोई गारंटेड कोई आपके पास में ठप्पा नहीं है कि मैं 6 महीना 8 महीना 3 साल में सिखला दूंगा। हम अवेयर करेंगे ये बात, चूँकि हम दोनों की यही बातें होती थी, चूँकि एक्टिंग को लेके जो जो धारणाएं बनी हुई हैं, चाहे जब हम सेट पे काम करते थे, चाहे फिल्मों में चाहे टेलीविजन में जब काम करते थे, तो जब अपने को एक्टर्स को जब देखते थे काम करते हुए, हमसे काफ़ी अच्छे दिखने में, हैंडसम शरीर से भी रूप से भी, बट वो थर्ड लाइन फोर्थ लाइन में रहते थे, और जब ऑफ शूटिंग से जब हम लोग जब खाली टाइम में जब बातें होती थी तो बुरा लगता था कि उनके साथ में सुलूक, जब वो हमसे अच्छे थे और वो अपने ही फील्ड के अपने ही एरिया के लोग होने तो पूछता था उनसे, तो उनके बातें के साथ हम लोगों को कुछ सिखलाया नहीं गया, हमने सीखा तो हमने महसूस किया, दादा हमने इस पर पिछले 2 सालों से बातें कर रहे थे कि दादा अगर हम लोगों ने कुछ किया है तो फिर कुछ ऐसा किया जाए कि जो बच्चे जो आ रहे हैं वो तो गुमराह हो जा रहे हैं, फिर बाद में ना घर जा पा रहे हैं ना यहाँ पे काम कर पा रहे हैं, एक गिल्ट में जी रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, तो कुछ हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि लो से लो कॉस्ट पे और उनको हम एक चीज़ दिखलाएं। तो जो 2 सालों में जो हमने जो देखा और महसूस किया, जो कि यहाँ पे स्कूल्स, जैसे कि अभी एक भाई साहब ने सवाल जब पूछा कि इतने सारे स्कूल्स के सामने में चुनौती है हमारे लिए, और हम वेरी फ्रैंक, हम एक्टिंग प्रोसेस की बात करेंगे, हम किसी भी स्टूडेंट्स को इस अंधेरे में नहीं रखेंगे कि हम तुमको परफेक्ट एक्टर बना रहे हैं, हम सब एक्टर हैं आप और हम, अंतर सिर्फ इतना है कि जो इन टूल्स के बारे में अवेयर है वो खास है और जो अवेयर नहीं है वो आम है, चूँकि हम करते क्या हैं, एक्टिंग है क्या, अभिनय है क्या, कि हम चरित्र को जीते हैं, चरित्र कहाँ से हम लाते हैं, समाज से लाते हैं, समाज किससे बनता है, जनता से, समुदाय से, तो मतलब है कि जो हम अपने डे टू डे लाइफ से अवेयर नहीं है, अपने आप से अवेयर नहीं है, हम अपने तो कॉमन पीपल हैं, जो अभिनेता है चाहे जो क्रिएटिव पीपल है वो खास हैं अपने अपने फील्ड के ऊपर में, उन्होंने मास्टरी हासिल की है, तो अगर हम अपने स्टूडेंट्स को उसके प्रति जागृत कर पाए, ये अवेयर कर दें कि भाई एक्टिंग्स करो, अभिनय इस फील्ड में आओ, बट जिस तरह से आप आईआईटी की तैयारी करते हो, कोचिंग करते हो, आप एक डिग्री हासिल करते हो, उसके बाद में भी आप आईएएस के लिए 6 महीने का कहीं से ब्रिलियंट से चाहे किसी से भी कोचिंग करते हो, फिर आप अभिनय को ऐसा क्यों मान लिए हो कि बस उठें आएँ और चले आएँ, उस वक्त जब डायरेक्टर साहब को कुछ बोलता है तो फिर गिल्ट फील करते हो और फिर अपने आप को कोसते हो। मिनिमम कुछ तो रखा होगा ना, कितने महीने या कितना? देखिए 3 महीने का हम लोग का जो अभी है, चूंकि एक मिनिमम है कि 3 महीने में हम आपको कम्प्लीटली अवेयर कर सकते हैं इस फील्ड के विधाओं के बारे में, जितने सारी विधाएं हैं, बाकी अगर कम्प्लीटली देखा जाए तो जो हम लोग आगे फ्यूचर जाएंगे, अगर अच्छा रिस्पॉन्स हमारा यहाँ मिला तो हम इसको कन्वर्ट 6 महीने पे तक लेकर जाएंगे। 6 महीने में हम इतना कह सकते हैं कि हम एक जो एक एक्टर जो है वो कम्प्लीटली मार्केट में जाके अपने आप को इस्टेब्लिश के रूप में खड़ा हो सकता है
तीन महीने में वो अवेयर रहेगा, अगर उसको लगता है कि हमको इसको और तराशने की ज़रूरत है तो वो फिर उसमें आगे बढ़ सकता है। जैसे 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 मैंने अभी अभी मैंने बताया कि हमारा फील्ड क्या क्या है, जैसे पहले हम डिक्शन के ऊपर काम करेंगे, स्पीच के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद मूवमेंट एंड माइंड के ऊपर काम करेंगे जिससे बॉडी तैयार होता है डिक्शन से, ये आप जो प्रोनाउंस कर रहे हैं वो सही होगा, स्पीच आपका क्लियर होगा, उसके बाद हम म्यूजिक के ऊपर काम करेंगे जिससे कि आपको स्केल के बारे में पता चले, क्योंकि हम अलग अलग स्केल में हम बात करते हैं लेकिन उस स्केल के बारे में हम अवेयर नहीं है, उस स्केल के बारे में पता चलेगा। बॉलीवुड डांस के लिए आप हमने जगह रखा है क्योंकि आपको मिनिमम एक डांस सीखना बहुत ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ों से हम अवेयर कर रहे हैं कि आप भाई ये सब ये जानो और उसको आगे डेवलप करने के लिए आपको तो आप प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जैसे हमारे साथ सोनिया जी हैं, सोनिया जी मॉडल के ऊपर काम करते हैं, मॉडल के ऊपर जो काम करते हैं सोनिया जी खुद बोलेंगे अभी किस तरह से काम करते हैं। मैं आई एम श्योर आई थिंक मोस्ट ऑफ द मीडिया नोज मी एंड ये लोग प्रिपेयर करते हैं क्वेश्चन। दादा को मैं 2010 से जानती हूँ, व्हेन वी वर डूइंग बालाजी एकता कपूर आइस, दादा वॉज लीडिंग एक्टिंग एंड आई वॉज लीडिंग द मॉडलिंग इंडस्ट्री, तो वहाँ पे मैंने दादा का भी काम देखा, दादा ने मेरा भी काम देखा एंड वी वर आई थिंक मास्टर इन आवर ओन फील्ड। मॉडलिंग इज अ फिनिशिंग प्रोडक्ट फॉर स्टूडेंट्स, आज बच्चे आ रहे यू नो इंडिया हैज़ वराइटी ऑफ चिल्ड्रेन, तो वी टू ब्रिंग देम ऑन स्क्रीन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी मेक देम 100% प्रेजेंटेबिलिटी, नॉट ओनली ओवरऑल बट वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रिपेयर देम फॉर दैट हार्ड कोर जर्नी दैट आफ्टर दे लीव दिस गेट ऑफ अस what is the world outside, to come on screen it's not an easy cake, so we the personality development obviously as I'm very happy somebody raised a voice saying what is a competitor, but I believe we don't have any competition, but because the media knows much better, if you can see the panel that Dada has worked on, he has a vast experience of 65 years in this in this industry and the team he has collected, there is no competition. Not only I can't even talk, I'm obviously the money that he's taking is just I think it's a scholarship amount which is required to run the institute because there is a cost effect that is the venue and where we need the children to come, but it is perfect school of acting. Again and again I can say there is no competition because the subjects that we have, we if you see the syllabus that we have prepared, we have worked very hard, it's not that is available anywhere, you can open anybody's, let's not mention anybody's name here because it's not professional, but the subjects that we are working on is result oriented. The child that walks in, I will stand up and say, oh, what is my history that he is going to master, and I can see I think 60% of our children are doing very good on screen, but they have to have the perfect mentors, and we are here to give, we are here so that their career is made. We are here specially to avoid the nuisance that is happening with the students out. So let's hope that the children whoever come here are the ones who are going to be blessed, because we are not going to do time pass by showing movies. I'm sure dusri jagah 3-3 ghante picture chalti hai, bachcho ke time pass ho rahe, to wo agar aapne bola how long will they, bacche hamare paas 1 month bhi aayenge agar do sessions bhi bachcho ne hamare sath kiya na, थर्ड सेशन की ज़रूरत नहीं होती, उसको ऑन स्क्रीन जॉब मिल जाता है बिकॉज दैट फर्स्ट सेशन ऑल्सो इज सो गुड फॉर देम, सो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ द स्टूडेंट्स, एवरी पर्सनैलिटी इज डिफरेंट, इफ अ चाइल्ड इज वेरी पोटेंशियल फर्स्ट सेशन ही कैन ग्रास्प, ही लिमिटेडली गो फॉर एन ऑडिशन, ही गेट्स किल्ड एंड ही इज ऑन स्क्रीन, ही डज नॉट इवन कम्प्लीट, सो देर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टेनर, यू कैन देन इफ द चाइल्ड इज अ लिटिल स्लो ऑन हिज पर्सनैलिटी इट कैन टेक हिम 1 ईयर, but it depends, but wo personality ko humko hardcore karna hai, fire banana hai, that is our work and that is the reason I'm on panel, so yes. In acting mera hindi acha nahi hai, I think bol lo, in acting mein ek question hai kaun sa acting sikhana hoga, theater aur camera acting, kaun sa acting? Yes, both. Because थिएटर का जानना भी बहुत ज़रूरी है, थिएटर एक्टिंग को जानना भी बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ बिकॉज आज मैक्सिमम जो यंगस्टर्स हैं वो लोग आके टेलीविजन और फिल्मों की तरफ भी जाते हैं,
लेकिन उनका बेस जो है, उनका जो बेस जो है वो थिएटर होना बहुत जरूरी है, थिएटर को जानना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ कैमरा एक्टिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम दिखाएंगे, ये हम सिखाएंगे। तो कैमरा एक्टिंग भी सिखाएंगे? यस 100%। एक इट्स पहले हम लोग ये एक ही जैसे एक सीन अगर करते हैं वो थिएटर में किस तरह से किया जाता है, उसके बाद कैमरा में किस तरह से किया जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो सिखाया जाएगा। उसमें इमोशन एक्सप्रेशन अलग होगा, वॉइस लेवल अलग होगा, सब कुछ अलग होता है, कैमरा एंगल के अनुसार आपका लुक भी चेंज हो जाता है, थिएटर में वो नहीं होता है। सो ये हम सिखाएंगे, ये हम करेंगे। बोथ एग्जैक्टली बच्चे यहाँ आने के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली इसीलिए बोथ। हाँ कुछ बोल रहे थे ये उत्तर देंगे। देखिए हमारा कोई वो नहीं है कि हम इनको काम दिला, हम काम दिलाने के लिए नहीं, काम तो हम भी कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं अपने टैलेंट से, अपने हिसाब से जो हमने आज इतने सालों में जाना है समझा है, लोगों ने एक बार काम दिया तो दूसरी बार उन्होंने हमारे सिंसियरिटी हमारे वर्क को देखकर ही काम दिया है, या उससे पहले हम जब पहली बार मीटिंग करते हैं उससे उनको क्वालिटी पता चल जाती है कि ये किस कैलिबर का एक्टर है या हम इससे क्या चीज ले सकते हैं, तो हम उनको इतना प्रिपेयर कर देंगे कि जिससे कि सामने वाले को आभास हो जाए कि ये मेरे पैरामीटर में, ये मेरे फ्रेम में फिट हो रहा है, वहां तक तो हम लेके जाएंगे। तो उस एक एक कैरेक्टर को समझने में उनको ज्यादा वक्त ना लगे, हम उस लेवल तक मेंटली लेके जाएंगे जो आमतौर पर लोगों को ऊपरी तौर पर सिखाया जाता है, अंदर कैसे कैरेक्टर के अंदर घुसना है, किस तरह से अपने अंदर मैं मुकुल नाग हूं, मुकुल नाग को निकाल के उसके अंदर वो कैरेक्टर को किस तरह से डालना है, तभी वो कैरेक्टर प्रेजेंट होगा और वो उसी प्रोसेस में ही आगे बढ़ेगा, तो सामने वाला देख के बता सकता है कि हाँ कि ये आदमी मेरे कितने फ्रेम में आ रहा है। उसके अंदर जो सवाल है, अक्सर दूसरे जगह से मैंने देखा है जो एक्टिंग स्कूल से आ रहे हैं उनसे कई बार बात, जैसे विनोद जी ने बताया कि जब सामने मिलते हैं तो बातचीत होती है एक एक्टर की दूसरे एक्टर से, और उसके बाद उसके कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं, तो उनके वो सवाल कोई करेगा उससे पहले हम उसके सवालों के जवाब उसके पास कन्फर्म रहेगा कि कोई भी अगर सवाल करेगा तो उसका जवाब दे पाएगा। अरे एक एक इस सिलसिले में एक बात बताना चाहता हूँ, आप अगर हमारे वेबसाइट गए हुए हैं, हमारे सारे वीडियोस देख चुके हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑलरेडी राजन शाह डीकेपी के जो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं कि ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि हमारे यहाँ से जो भी पास आउट होकर जाएंगे वो वहाँ जाके डायरेक्टली ऑडिशन दे पाएंगे, लेकिन हम उसको आधार करके बिजनेस नहीं करना चाहते, वो हमारा आधार नहीं है, बिजनेस करने का आधार नहीं है, इसको लेकर हम मार्केटिंग भी नहीं करना चाहते। ये सिर्फ वो नहीं है, रविराज करके और एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये अग्निफेरा सीरियल बनाए हैं, उनका एक अपना प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने भी बता दिया है कि हाँ आपके यहाँ से जो भी पास आउट होकर आएगा आप उनको डायरेक्टली हमारे यहाँ पे भेज सकते हैं। लेकिन हमारा मोटो ये नहीं है कि हम ये पब्लिसिटी करके स्टूडेंट्स को लाए, वो ऑटोमेटिकली जाएगा, वो ऑटोमेटिकली जाएगा। जितने भी लोग हैं एक कमिटमेंट हमने अपने आप से भी किया है कि हमने सैटरडे संडे रखा है 8 घंटे क्लास करेंगे, तो हम सैटरडे संडे हमने अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बता दिया कि हम सैटरडे संडे आपके साथ शूटिंग नहीं करेंगे, क्या आप कितना ही पैसा दें। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम ये जो हम क्लास इसको छोड़ेंगे नहीं, ये अपने आप से कमिटमेंट है कि हम वो पूरा
कंसंट्रेशन पूरा स्टूडेंट्स के ऊपर रहेगा क्योंकि हम सैटरडे संडे, लेकिन अपना काम को छोड़ सकते हैं लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये जो हमने इतने सालों से जो सीखा है उसको हम देना चाहते हैं, क्योंकि सबकी अब धीरे धीरे उम्र होती है, उसके बाद दी एंड कब हो जाएगा, जो अपने पास जो चीज़ है वो कम से कम आगे तो बढ़ाए। हमें भी जो कुछ मिला है अपने बड़ों से मिला है, हमें सीनियर से मिला है, अगर वो नहीं देते तो आज हम यहाँ तक नहीं होते। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो दूसरों तक पहुँचे और वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहे। The uniqueness about this school is it is going to have one-to-one. ऐसा नहीं कि दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ एक टीम में चल रहे हैं, बाहर से मेंटर आ रहे, लेक्चर दे रहे जा रहे, नहीं। We are going to have one-to-one students. We are going to motivate उनको one-to-one, उनसे हम actual काम निकालेंगे। तो कोई बच्चा वहाँ पे आके बैक बेंचर्स नहीं हो सकते हैं हमारे यहाँ। हम एक एक बच्चे के ऊपर काम करने वाले हैं और ये ही हमारा मोटो है कि अनलेस एंड अंटिल यू गिव देम पर्सनल अटेंशन एंड पर्सनल ट्रेनिंग्स, उनसे वो हम, क्योंकि हर बच्चे में एक वेवलेंथ रहती है, कोई बहुत स्लो होता है, कोई बहुत फास्ट होता है, तो हमको सबको एक लेवल पे ला के उनकी हैमरिंग करना है तो ही हमारे को भी एक रिजल्ट मिलेगा। सो द यूनिकनेस इज वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी चाइल्ड दैट इज गोइंग टू कम। मैं इस पे इन जब दादा ने बोला, मुकुल दादा आपने जो कहा कि हम उनके अंदर एक आत्मविश्वास भरा, जैसे हमारे अंदर ड्रामा स्कूल ने भर दिया। ड्रामा स्कूल हमें किसी प्रोड्यूसर के पास में, डायरेक्टर के पास में लेके नहीं जाती है कि आप इनको काम दो, मेरे एनएसडी के स्टूडेंट्स। 3 साल तक हमने जो सीखा, हमारे अंदर एक एक टीचर्स ने इस कदर पकड़ पकड़ के कि पीछे पढ़ पढ़ के हम लोगों को इस लायक कर दिया कि हम कहीं भी खड़े हो सकते हैं, कुछ भी, और कोई भी डायरेक्टर्स के सामने में हम लोग किसी तरीके से बात कर सकते हैं। तो हमने भी यही प्रयास किया कि एक रिले रेस है। 3 साल में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे पीछे पैसे लगाए, खर्च किया, तो एक समय के बाद में हमें लगता कि हमने क्या रिटर्न दिया। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे इंस्टीट्यूट की एक खासियत यही है कि सारे थिएटर वाले, केवल ड्रामा स्कूल ही नहीं, ये पटना एकता से हैं, रंगमंच के बहुत ही सदस्य, तो हमने ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढे, सोनिया जी, इसमें ड्रामा स्कूल्स के भी हमारे और भी, ये तो सामने बाकी सब डिस्टिंक्स में आते रहेंगे, विनीत भाई हैं, सत्या भाई हैं, मुकेश भाई हैं, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, रघु भाई हैं, ताकि आशीष भाई हैं, इस तरह के, ताकि हमारा काम है कि हम जो आप सबसे बड़े का, हमने कोई बिजनेस उस रूप में नहीं किया, हमने कहा कि रिले रेस शुरू किया है और वो आगे बढ़ाना है, ताकि शायद अगर 20, चूंकि हमने रखा 20 से 25 स्टूडेंट्स हमारे एक बैच में होंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, हमें दुकान नहीं चला, ज़्यादा होगा फिर मैं उसको अगले, हमें लगा कि हमारा चीज़ें बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हम उसको फिर अलग बैचेज में कन्वर्ट करेंगे। बट एक बैच में 20 से 25, मैक्सिमम 25 हम ट्राई कर रहे हैं, 20 ही रखें, ताकि हम वन टू वन काम करें। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक फैकल्टी, नहीं, अगर हम 4 हैं तो 4 तो बेस सैटरडे संडे है कि वर्क कर रहे, 1 घंटा कर रहे हैं, या इसलिए 10 to 6 रखा हमने, 4 hours का, 2 hours का, 3 hours का नहीं रखा, 10 to 6 लंच इसलिए साथ में रखा है, टी इसलिए साथ में रखा है कि वो अगर बाहर ऐसे छोड़ता हूँ तो 1 घंटा हमारा वेस्ट होता है, 1.5 घंटा वेस्ट होता है, अगर साथ में है तो हम लंच भी करते हैं, जो हमारे स्कूल में होते हैं, लंच भी कर रहे हैं तो भी हम बातें वही कर रहे हैं, ताकि अगर उनके अंदर कुछ सवालात हैं सीखने के प्रोसेस के दौरान टीचर्स के साथ में, तो वो वहाँ पे खाते खाते ये बात कर रहे हैं, मतलब कि हम उनके फोकस, मैंने क्या कहा कि बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ कि सब एक्टर हैं, हम सिखाने नहीं आए हैं, सॉरी, हो सकता है हम सीखेंगे, आज भी हम सीख रहे हैं प्रोसेस में, अभिनय का कोई अंत नहीं है और ना कोई सिखा सकता है, हम आपको जागृत, हमें पता चल गया है जो चीज़ें कुछ हमने सीखी है, हम उसको आपसे शेयर कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि भाई ये टूल्स हैं, ये पकड़ो एंड इस पर काम करना है, अगर इस पर इसको ही व्यवसाय बनानी है तो आप ऐसे काम करो, और यही एक ट्रैक है, शायद हमने ये देखा है, आप इसको आप एक्सप्लोर करो, और जब आप वर्क करोगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास जन्म लेगा, और जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा तो फिर कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी ऑडिशन, कुछ भी हो, आप वहाँ पे बेहिचक बोल सकते हो। सर एक सवाल। हाँ। एक्टिंग तो ठीक है, कॉम्पिटिटिव लोग के चीज भी आपका ओके, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि एक एक्टर को जैसे हर चीज सीखना जरूरी है,
फाइट हुआ, स्टैंड फाइट हुआ, हॉर्स राइडिंग हुआ, स्विमिंग हुआ, ड्राइविंग हुआ, बहुत सारा आर्टिस्ट को ड्राइविंग नहीं आता, बाइक चलाने नहीं आता, तो ये सब आपके इसमें सिखाया? नहीं नहीं नहीं, ये सारी चीज़ों के साथ एक्टिंग की कोई ये नहीं है। ये आपका बाहर का जो और एक्स्ट्रा कैरिकुलर के मतलब एक्स्ट्रा कैरिकुलम है, एक्टिंग के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। एक्टर्स को क्या करना है कि अपने आप को तैयार करना सबसे पहले ज़रूरत है। हॉर्स राइडिंग आपको खुद को सीखना पड़ेगा, ये उतना बड़ा इंस्टीट्यूट है नहीं। उस इंस्टीट्यूट अगर उस तरह से इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे तो कम से कम आपको मंथली 5 से 6 लाख रुपया आपको फीस भरना पड़ेगा। आप वो ना तो आप वो दे सकते हैं ना हम वो ले सकते हैं, क्योंकि हम उस तरह की फ्रेम में ही नहीं रहना चाहते। But that is optional, no? The directors also train them. घोड़ा चलाना मेरे को भी नहीं आता था। एक सीरियल में मैं और दादा साथ में ही थे और हमने घोड़े को बिस्किट खिला के आधा घंटे में हमने घोड़े को काबू में कर लिया, घोड़े को ट्रेन कर दिया। लेकिन आप दिमाग चाहिए। आपको पता है हमारे एनएसडी की एक एक्टर, क्या नाम है उसका, जिसे एक विलेन के कैरेक्टर के लिए मुकेश तिवारी जिसको विलेन के कैरेक्टर के लिए चाइना गेट में जो विलेन बने थे, उसे 6 महीने की ट्रेनिंग दिया गया था अलग 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 चीजों के ऊपर। वो अलग चीज है, उसकी जरूरत होकर तो डायरेक्टर खुद या प्रोड्यूसर खुद करवाएंगे, लेकिन एक्टिंग के लिए उसकी जरूरत नहीं है। एक्टिंग के लिए बेसिक जरूरत क्या है कि आपके पास है क्या चीज, आपके पास बॉडी है और वॉइस है। बॉडी को किस, आप ये नहीं जानते कि आपका बॉडी किस तरह से काम करता है, आप ये नहीं जानते कि आपका मसल्स किस तरह से काम करते हैं, आप ये नहीं जानते कि आपका नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है, आप ये नहीं जानते कि आपका हार्ट बीट का फंक्शन क्या है, ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, जॉइंट जो है वो किस तरह से काम करता है। दैट मीन्स आपका जो खुद का जो बॉडी है उस बॉडी के बारे में आपको खुद को पता नहीं है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। वॉइस, उसके ऊपर काम किस तरह से किया जाता है। म्यूजिक, वो किस तरह से हेल्प करता है। मूवमेंट एंड माइंड, ये इसलिए रखा है कि आपकी बॉडी को तैयार करेगा। डिक्शन इसलिए रखा है कि आपके स्पीच, आपकी जो भाषा है उसको सही तरह से आप बोल पाओ, हिंदी आप सही तरह से बोल पाओ। मैं बंगाली हूँ, लेकिन मैं जब उस हिंदी फील्ड में काम कर रहा हूँ तो मुझे वो सीखना पड़ा ना हिंदी। सिर्फ ये नहीं कि मुझे जब पहला सीरियल मिला था बालिका वधु, जिसके लिए मुझे मारवाड़ी कैरेक्टर करने के लिए मिला था, मुझे उसके लिए मारवाड़ी सीखना पड़ा। ये किसी हमारे इंस्टीट्यूट ने नहीं सिखाया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में नहीं सिखाया। वो तो अपना एफर्ट है, वो आपको कैरेक्टर को करने के लिए वो करना पड़ेगा। सर इसका थॉट का आपने पूछा, वो बोल गया थॉट, बॉडी का कहां, माइंड का कहां, सोल का कहां, लेकिन थॉट का थॉट प्रोसेस ये है। तो बेसिकली क्या है कि being a person, हम अपने बारे में नहीं सोचते। सोचना मतलब क्या होता है कि normally जो हम सोचते हैं वो तो होता ही है, वो सिचुएशन के अनुसार होता है क्योंकि आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। बट वेन यू आर डूइंग ए कैरेक्टर, वो चीज़ आपका नहीं है, वो सिचुएशन आपका नहीं है, वो डायलॉग्स आपका नहीं है, वो कैरेक्टर आपका नहीं है, वो सारा चीज जो है दूसरों ने तैयार किया है, राइटर ने तैयार किया है, उसको आप अपना रहे हो। उसको अपनाने के लिए सोच किस तरह से यूज करेंगे, मतलब आपको क्या क्या सोचना पड़ेगा, किस तरह से सोचना पड़ेगा, किस लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा, कहां तक सोचेंगे, क्योंकि सोच की कोई कमी नहीं है। आप कितना 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 सोच सकते हैं, जितना सोचेंगे उतना ही अच्छा मिलेगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, हम 5 लोग यहां पे बैठे हुए हैं, एक लड़का वहां से दौड़ के आता है, आके मुझे कहता है कि दादा आप जल्दी घर चलो। अभी जो लड़का वहां पे दौड़ के आ रहा है, वो दौड़ के आने के बाद ये जो डायलॉग बोलेगा वो किस तरह से बोलेगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो आ कहां से रहा है ये नहीं सोचा उस आदमी ने, कहां से आ रहा है
घर, घर कहाँ पे है? 2 किलोमीटर। कैसे आया है? दौड़ के, न साइकिल पे, न पैदल, ना मोटरसाइकिल पे, ना गाड़ी पे, कैसे आया है? समय क्या था? सुबह का या दोपहर का या शाम का या मिडनाइट का? मौसम कैसा था? गर्मी या ठंडी या बरसात, क्या था? अब ये जो है, रास्ता कैसा था? प्लेन या उबर खाबड़ या पथरीले, ये मड़ी या पहाड़ी? फिनिश करूं मैं? तो आप जितना सोचेंगे उस हिसाब से आपका कैरेक्टर आप पोर्ट्रे करेंगे। आपने सोचा ही नहीं तो सिर्फ आप आके सिर्फ बोल रहे, दादा जल्दी घर चलो, तो क्या हो गया? मेरे साथ आपका रिलेशन क्या है? क्यों आप बुला रहे हैं? तो ये सारे चीजों अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से वो चेंज हो जाता है। गर्मी के मौसम में दोपहर में अगर एक बंदा 2 किलोमीटर दौड़ के आएगा, वो आके डायलॉग बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, गला सूख जाएगा, थूक निकलेगा पहले, बोल नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आप सोच को कहां से कहां तक लेके जाएगा, वो इमोशन एक्सप्रेशन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट सिचुएशन। आप जितना सोचोगे उस हिसाब से आपका वो एक्सप्रेशन निकलेगा बॉडी से, बॉडी लैंग्वेज ऐसा होगा। तो इसके लिए आप क्या मेडिटेशन का भी सिलेबस रखेंगे? मेडिटेशन नहीं है, हम योगा सिखा रहे हैं, योगा बॉडी को तैयार करने के लिए। बोल, इस पे जो है सिंपल जो मैंने वही कहा ना कि हमारा जो क्लासेस जो है स्कूल का जो मेन जो फोकस है वो है एक्टिंग प्रोसेस। जो आपने कहा कि इस पे क्या हम योगा, वही जो 5 सेंस एंड 5 एलिमेंट्स की जो हम बातें करते हैं, हम जब भी बातें कर रहे हैं तो हमें कुछ भी न तो ये जेस्चर पोस्चर हमने फिक्स नहीं किया हुआ है। जब हम एक्ट कर रहे होते हैं तो हम लाइन्सों में फंसे रहते हैं। एक्टर जो अमूमन जो है कि वो उसको लगता है कि वो लाइन्स रीड कर ले, हर्ट कर याद कर ले और बोल दे, जैसे बोलने के बाद में एक ब्रीद आउट करता है कि बस मेरा तो हो गया यार, अब सामने वाले का है, या लाइंस बोल गया, फंबल हो गया। अब वो जब उसका दादा ने बोल रहे हैं दादा क्या, दादा का लास्ट लाइन क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि मैं जब घर गया था तू क्यों नहीं आया? अब जब तक दादा ने गलती से नहीं बोला तू घर नहीं क्यों नहीं आया, अब चुपचाप बैठा हुआ है कि दादा ने तो लाइन दिया ही नहीं, चूंकि उसने अपना लास्ट लाइन लिया हुआ था। जबकि हम अमूमन लाइफ में नहीं करते, फिल्मों में चाहे कहीं भी एक्टिंग का कोई प्रोसेस नहीं होता, चाहे थिएटर हो चाहे फिल्म हो चाहे कहाँ, थोड़ा सा वॉल्यूम का खेल होता है, बाकी सहजता का थोड़ा सा चीज़ों को एग्जिजरेट करते हैं, बट एक्टिंग जो है हम लोग वही सहजता की बात करने आए। मेरा सवाल यही है, बहुत ही प्रिसाइसली, एक एक्टर दो लाइन देता है, एक तो जो उसको दी गई है स्क्रीन पर, एक तो उसको दी गई जवाब दे रहे हैं, और साथ ही साथ उसकी अपनी जिंदगी होती है। तो क्या जब वो दी हुई किरदार को पर्दे पर जीता है तो उसकी अपनी जो जिंदगी के विचार है, थॉट प्रोसेस है, क्या वो रुक जाता है? नहीं रुकता है, वो चलता रहता है। तो मैनेज कैसे करेगा, वो कैसे सिखाएंगे? बता रहे, वैसे टीचर तो सीनियर ही है, लेकिन हाँ शायद मेरी बारी आई तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। ये एक्टिंग जो है आपको एक डाइवर्जन है, मेरे ख्याल से जो आपका सवाल है वो एक डाइवर्जन है। आप आम जिंदगी में भी कहीं ना कहीं जाते हैं, वहाँ से अपने आप को डाइवर्ट करते हैं, कुछ सोचते हुए जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस मिलता है, उससे आप कुछ और बातें करने लग जाते हैं। एक प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे इन्होंने बताया कि हम जिंदगी में एक नॉर्मल प्रोसेस में अपने आप को आराम से चेंज कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती, कुछ भी करना नहीं पड़ता, क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं होते। हम नॉर्मल प्रोसेस को जीना जानते हैं, उस प्रोसेस को जीने की आदत पड़ चुकी होती है। अब हाँ, अब क्या होता है, इसी प्रोसेस को हमें जब एक्टिंग में कॉन्शियस होकर करना पड़ता है तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं। उस कॉन्शियसनेस को ख़त्म करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं टीचिंग ऑफ एक्टिंग, कि आप उस कॉन्शियसनेस को ख़त्म करें और उसको जितने भी अच्छे से फील कर सकते हैं, जो नेचुरल फील कर सकते हैं उस मोमेंट को, उस जगह को, जैसे आपने कहा कि हम कुछ और हैं, हमें कुछ और सोचना है, तो वो जो प्रोसेस है, वो चेंज ओवर जो है, उसको नेचुरल करने के लिए, उसको आसान करने के लिए, उसी प्रोसेस को बहुत ही डीपली जाके करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं टीचिंग ऑफ एक्टिंग।
जो कि एक्टिंग ना लगे लेकिन है. सो दैट इज ऑल. आप कितनी डीपली कर सकते हैं, कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. एंड इट्स अ स्विच ऑन स्विच ऑफ थेरेपी, यू नो. इट्स अ स्विच ऑन स्विच ऑफ. देखिए सर, थिएटर में क्या होता है कि इट्स ए देयर इज अ मोमेंटम, बिगिनिंग टू एंड तक हम जीते हैं. लेकिन ये फील्ड ऐसी है कि कहीं से भी शुरू होता है, एंड से भी शुरू होता है, या बिगिनिंग से शुरू होता है, या कहीं से भी. तो इट्स अ स्विच ऑन स्विच ऑफ थेरेपी, यू नो. No, not at all. No, not at all. अभी बताइए, हम लोग यहाँ बैठे हुए ऐसा कुछ लगा क्या? जब NSDNs लोग आके without you know thinking of any commercials, non-commercial एक segment start कर रहे हैं, तो you can just judge for yourself. I think you all are media, so we don't need to talk much. मुझे लगता है ना कि जो जो आपने कहा ना वो ये नहीं है, बल्कि ये होता है NSDNs उस तरह के नहीं होते. उनको ये गलत कुछ जब होता है ना तो एक समय के बाद में उनसे बर्दाश्त नहीं होता, या तो उठ जाते हैं. तो सामने से होता है ना, या समझाते हैं तो नहीं समझने के बाद में एक समय के बाद में वो चीज़ें को हट जाते हैं, तो उनसे वो गलत को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. तो इसको लोग ले लेते हैं कि भाई वो इगोइस्टिक है. बहुत ऐसे कम डायरेक्टर है जो मतलब लॉजिकली बात करते हैं, और वहाँ वो मार खा जाते हैं जिनके पास लॉजिक नहीं होता. आ जाओ, अरे भाई क्यों आ जाए, तभी होता है ना कि भाई क्यों आ जाए वहाँ से, आपने जो कहा ना अभी जो कंपोजिशन होता है वो सारी चीजों पे बहुत अच्छी बात होता है. NSD का एक्टर अड़ता है. सवाल बहुत अच्छा उठा ये कि जैसे आपने कह दिया ना कि आ जाओ, अब क्यों नहीं उठेगा. अब जो आदमी थिएटर किया हुआ है 3 साल तक, 24 घंटे तक उसके पढ़ाई किया हुआ है, जैसे कहते एक कमिश्नर, एक IAS, एक IPS बन जाता है, वो एक तो बेचारा ग्रेजुएट होता है, पढ़ता है, फिर उसके बाद में अपनी किताबें पढ़ने के बाद में एक सिविल एग्जाम देता है, पास होने के बाद में फिर ट्रेनिंग लेने के बाद में एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक बन के आता है, और देन उसके बाद में पॉलिटिशियंस आके उसको बोलते हैं, उसका कि बोलते हैं कि तुमको ऐसे करना है, यस सर, तुम ये नहीं, तुमको यहाँ साइन करना है, ओके, मैं वो मंत्री हूँ. एक समय के बाद में इरिटेट होकर बोलता है कि आप ओके. NSDNs ऐसे नहीं है. NSDN होता क्या कि हम करते हैं, हमें बोल दो, या तो बोलता आपको सर क्या है, आप लाइंस केवल बोल दो ना सर, ये थिएटर नहीं है, फिल्म नहीं है, फिल्म है, आपको केवल लाइंस बक दीजिए, आप लाइंस बक दीजिए, हम उसको छाप लेंगे, पेस्ट कर देंगे. तो उसको लगता है कि भाई हमने पढ़ा, आपको अनुभव क्या है, और वो आर्गुमेंट होती है. ऐसा नहीं होता है. आजकल हमारे जितने जो नए नए जो चाहे पंकज हुए, चाहे राजपथ जितने अभी जो आए, हम लोगों ने बंद कर दिया आर्गुमेंट करना. ओके, हमने पहले पूछते हैं सेट पर जाके, व्हाट यू वांट सर, अच्छा कहाँ बक देना है सर, ओके सर, बोल दीजिए सर, या हाँ सर आप तो पेस्ट कर लेंगे. अरे चक, अब सपोज कीजिए कि मास्टर का यही, अभी फिल्मों के जब दादा ने ये पूछा था कि थिएटर की एक्टिंग, फिल्म की एक्टिंग के लिए, कि यहाँ पर सीन्स पहले कर जाते हैं, मास्टर हो गया, अब क्लोज कटने होते हैं, मिड शॉट, एक ही सीन को 5 बार करने पड़ते हैं. और जब अभी दादा से हमारे चल रही है, मास्टर मेरे वार कैसे हो, अरे मैं गया था ना यार, हाँ ठीक है, ये ले लिया, अब ये हाँ तो दे दिया, अब जब क्लोज इसी का कट रहा है, दादा है नहीं, अब वहाँ पे दादा लाइंस दे रहे थे हमको, इनके फीलिंग्स पे हम रिएक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे AD जो होता है उसकी जो RPM बढ़ जाती है लाइंस देने के लिए, कि भाई रिएक्शन हम दे रहे हैं दादा के डायलॉग्स पे, और वो कुछ दादा का कुछ अलग ही फ्लो था, मूड था, वो भाई साहब कुछ अलग ही बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, और आप बोलते हैं चक्रवर्ती दे दिए सर. तो अब ये क्या है, आप फिल्म मेकर्स को ब्लेम कर रहे हैं? मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं मेकिंग को कर रहा हूँ. तो इसीलिए हम लोग कहें इसको बोल रहा है, मैं ब्लेमिंग नहीं, नहीं हम अवेयर करने आए हैं. आज आप देख लो, आज जो हमारे सिनेमा है आज इतना ग्रो किया, आज NSD के एक्टर, चाहे ट्रेंड एक्टर, NSD को मैंने थिएटर के एक्टर, ट्रेंड एक्टर की आज इंडस्ट्री में कदर होने लगी है.
पूछ होने लगी है। आज हमारी इंडस्ट्री सिनेमा भी है एक पैरेलल की तरह वेस्ट की तरह जाने लगे, लोग सेंसिटिव फिल्में देखने लगे, आज सहजता की बात होने लगी है, आज अवेयरनेस जो आज यूथ है आज जो ट्रेनिंग की बात उसको महसूस होने लगा, नहीं हमें भी अभिनय करने के लिए हमको ट्रेंड होना होगा, तभी तो वो स्कूल्स के पीछे भाग रहे हैं, तभी हमको लगा कि जो स्कूलिंग जो चल रही है हम क्यों ना ट्राई करें कि हम फिल्म थिएटर का आदमी दिखेगा। अच्छा अभी 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 एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में अच्छे होते हैं, हमारे बीच में बहुत ही वेटरन एक एक्टर विश्वजीत चटर्जी की जो बेटी वो हमारे पास आई है, वो विशुदा का ब्लेसिंग्स लेके वो कुछ कहना चाहती है। प्राइमा हाँ प्लीज कम। विशुदा का ब्लेसिंग्स लेके आई है। नमस्ते, एक चेयर वहाँ से बैठो, बैठ के बैठ। मैं फिल्म एक्टर विश्वजीत की डॉटर, छोटी डॉटर, और मैं भी एक्ट्रेस हूँ। मैंने बंगाली मूवी में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है, और मैं कुछ वर्ड्स अंकल के लिए बोलना चाहूँगी सर के लिए। मैंने जब इनके साथ काम किया था, ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, सुपर्ब एक्टर, एंड आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम। बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है। पहली बात कहूँगी कि मैंने इनकी डायरेक्शन में काम किया। आई हैव वर्क्ड इन हिज डायरेक्शन। इफ यू रिमेंबर सर, आई हैव वर्क्ड इन दंपति द बंगाली थिएटर विच वॉज मेड फॉर अवर दुर्गा पूजा, और वो पंडाल में अंकल ने मुझे फर्स्ट डायरेक्शन दी। तब उन्होंने मुझे थोड़े थोड़े लाइन सिखाए थे कि ऐसे बोलो, और रिहर्सल्स भी कराते थे। दैट टाइम आई वाज टू यंग, तो मुझे समझ में नहीं आता था व्हाट इज थिएटर, पर आज मुझे समझ में आ रहा है व्हाट इज थिएटर, बिकॉज मैं खुद थिएटर आर्टिस्ट हूँ। मेरे पापा की फर्स्ट करियर थिएटर से शुरू हुई, देन ही वॉज अ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट इन बंगाली मूवीज, पर उनसे तो उनको तो टाइम ही नहीं मिला घर पर सिखाने के लिए, ही यूज टू बी वेरी बिजी। उनके बाद मुझे जिनसे टाइम मिला सीखने के लिए वो है सर। आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम सर। देन ही वर्क विथ मी इन माई होम प्रोडक्शन कॉल्ड आतोरिनी, वेयर आई वॉज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, और उनके साथ मेरा एक सीन था, अभी भी मुझे याद है। ही वॉज अ पुलिस ऑफिसर, और वहाँ पे मैं आती हूँ और ये बोलते एकदम रंजार मतन देखते। And that scene was police station में मैं आती हूँ मिलने after many years. इसका meaning भी बता दो। Means तुम अपनी माँ रंजा के जैसे दिखती हो, और फिर बातचीत शुरू होती है, और फिर एक सीन आता है जहाँ पे बंगाल के सुपरस्टार प्रसनजीत चटर्जी भी रहते हैं हमारे साथ, और उनके साथ सर का सीन, मेरा सीन, मेरे पापा का सीन, तो तीन स्टॉलवर्ड्स के साथ, और तीन इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ मैं काम कर रही थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। और उस दिन सर ने मुझे बोला था कि एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट तुमने जब इतना लंबा चौड़ा डायलॉग बोल दिया, नाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर बॉलीवुड। सर ने पहले मुझे बोला था, एंड यू कैन वर्क इन एनी रीजन एंड यू आर अ गुड आर्टिस्ट। एंड ही टोल्ड द सेम वर्ड्स टू माई फादर कि अगर ये मेहनत करती है और अगर ये अपने आप पे कोशिश करती है अच्छे से, तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं अपना बना लेगी पोजीशन। सर यू रिमेंबर, नाउ यू नीड टू टेल समथिंग अबाउट मी, हाउ यू फील। नहीं, ये बोलना ये है कि देखिए, एक बात है कि एक इतनी बड़ी फेमस स्टार की बेटी है, आज यहाँ पे आने के बाद भी ये खुद सीख रही है, खुद स्ट्रगल कर रही है, और अपने आप को अपने डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। और हमारा तो वो जब काम किया था हमारे साथ कम से कम 10 साल पहले, तो बहुत ही छोटी थी, और 10 साल के बाद आज भी वो ये बात याद रखी है, और वो उसके बाद भी सीख रही है, काम कर रही है और इंस्पायर्ड हुई है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। दैट्स ऑल। नहीं सर, तो आज भी मुझे गाइडेंस देते हैं, मुझे कुछ भी ज़रूरत पड़ता है कि सर बोलिए मैं यहाँ पर ऑडिशन पे जा रही हूँ, कैसे ये डायलॉग
सर इज ऑलवेज देयर टू गाइड मी. मैं कभी भी ना फोन लगाती हूँ कि सर बोलिए ना आज ऐसा हुआ नहीं, आज ऑडिशन नहीं हुआ ठीक से. सर फिर भी बोलते नहीं होगा करो ठीक से करो. कैसे बोला था डायलॉग कि गाइड करते हैं मुझे. सो आई वुड से कि सबको इस क्लास में आना चाहिए और मुझे वक्त मिलेगा तो मैं भी श्योर एटलीस्ट 1 month का कोर्स जरूर ज्वाइन करूँगी. थैंक यू वेरी मच. लेकिन आप लोग जाइए मत, आप लोगों के लिए नाश्ते की बंदोबस्त है. प्लीज तुम यही छोड़ के गए. ओके सर, ओके, थैंक्स सर. कोई अगर सवाल हो तो वैसे भी एक मेरे लिए डाला मैं आ रही हूँ.